किस्मत खराब है उस आदमी का, पप्पू यादव का किस्मत खराब है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। नहीं तो जितना मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के बिहाव पर देखा जाए तो ना तेजस्वी यादव आगे पीछे दिखेंगे और ना नीतीश कुमार आगे पीछे दिखेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी है, ना चिराग पासवान, ना मुकेश सहनी, ना कोई आदमी फलाना ढिमकाना दिखेगा। जितना वो आदमी मेहनत करें, जिस उम्र में मेहनत करें, जिस एज में मेहनत कर रहे हैं और जिस वजन के साथ मेहनत कर रहे हैं, उतना वजन अगर शायद दूसरे बिहार के नेता का होता ना तो हमको नहीं लगता है कि वो घर से निकल भी पाता। देख लीजिए बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी है टीआरपी के लिए आज के समय में अभी स्थिति ये है कि बिहार में लोग मर रहे हैं, बिहार में बाढ़ के चपेट में कई ऐसे जिले हैं जो आ गए हैं और लोग अपने टीआरपी में लगे हुए हैं, कैसे हम आने वाले समय में सत्ता में बन जाए इसके लिए लगे हुए। प्रशांत किशोर पैदल यात्रा कर लिए बिहार के लिए, क्या कर लिए हम ये जानना चाहते हैं। राजद के लिए आप सवाल उठा सकते हैं, भाजपा को सवाल उठा सकते हैं, जदयू को सवाल उठा सकते हैं कि ये लोग चोर हैं, मान भी लेंगे एक सेकंड के लिए। अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार दोनों आदमी ने बिहार को ठगा है तो मान लेते हैं ठगा है होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो ठग ही रहा है। बढ़ता बिहार में पूरी तरह से बाढ़ आया हुआ है और नेता सदन और नेता विपक्ष दोनों ही फरार हैं। ये मीम्स कई सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और पूरा बिहार जो है त्राईमाम त्राईमाम है। एक तरफ सूखाग्रस्त से प्रभावित है तो दूसरी तरफ पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। कोसी सीमांचल क्षेत्र में तो कई बांध टूट गए हैं, बैराज टूट गए हैं और नेपाल से भी कई तरह के खबरें आ रही हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव है, केशव से बात करेंगे जिस तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में या फिर सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में कौन दोषी है और कैसे देख रहे हैं केशव। देखिए बिहार में दो तरीके का राजनीति हो रहा है। एक तो राजनीति ये हो रहा है कि भाई एक आदमी है जो टीआरपी के लिए अपना कुछ भी कर रहा है और दूसरा ये लोग है कि आज के समय में बिहार में बाढ़ आया हुआ है और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। टीआरपी के लिए क्या कुछ कर रहा है आप देख लीजिए। बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी है टीआरपी के लिए आज के समय में अभी स्थिति ये है कि बिहार में लोग मर रहे हैं, बिहार में बाढ़ के चपेट में कई ऐसे जिले हैं जो आ गए हैं और लोग अपने टीआरपी में लगे हुए हैं, कैसे हम आने वाले समय में सत्ता में बन जाए इसके लिए लगे हुए। प्रशांत किशोर को देख लीजिए, नया नया आए हैं और इनको अभी मकसद है कि भाई बिहार के जनता को बचाना है, बिहार के जनता रहेगा तब ना आपको वोटवा देगा जी। तो वो 2 तारीख को पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, पार्टी लॉन्च करेंगे। पार्टी लॉन्च करने से पहले स्थिति खराब हो जाए कि हमारे घर में खाना ना रहेगा तो हम पार्टी बाद में बनाएंगे कि पहले खाना का जुटान करेंगे, ये काम होना चाहिए ना। आप पार्टी बनाइएगा बाद में, पहले तो बिहार के जनता के साथ आप खड़ा होइए। इतना ज्यादा बाढ़ आया है, आपको यहाँ पे जनता के साथ में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। पैदल यात्रा किए, पैदल मार्च किए, पैदल यात्रा करके बिहार के बाढ़ के लिए क्या कर लिए। प्रशांत किशोर पैदल यात्रा कर लिए बिहार के लिए, क्या कर लिए हम ये जानना चाहते हैं। राजद के लिए आप सवाल उठा सकते हैं, भाजपा को सवाल उठा सकते हैं, जदयू को सवाल उठा सकते हैं कि ये लोग चोर हैं, मान भी लेंगे एक सेकंड के लिए। अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार दोनों आदमी ने बिहार को ठगा है तो मान लेते हैं ठगा है होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो ठग ही रहा है और उस हिसाब से आप सबसे सुपेरियर है, सबसे बेहतर है, तो आप 2 तारीख को पार्टी लॉन्च करने वाले हैं तो काहे नहीं आप कहते हैं कि कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में जो भी आपके पार्टी के कार्यकर्ता है, जो आने वाले समय में आपके पार्टी से जुड़े रहेंगे, जन स्वराज के सारथी बने हुए हैं, वे लोग को काहे नहीं कहते कि चिवरा मीठा सूखा चारा और जो चारा है पशु के लिए, जो डॉक्टर का डॉक्टरों की व्यवस्था करने की ये है, कम्युनिटी डॉक्टरों की टीम की बातें कर ले या कम्युनिटी किचन की बातें कर ले, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करा रहे हैं। आपके पास पैसा इतना है, कह रहे हैं कि हम पूरा बिहार को घूम गए हैं, पूरा बिहार को देख लिए हैं, आपका एक दिन का खर्चा करोड़ों करोड़ रुपए आ रहा है, तो आप अपने नेताओं को काहे नहीं कहते हैं कि आप लोग जाइए और जहां जहां बाढ़ आया हुआ है वहां पे आप लोग जाकर के तटस्थ रहिए, मजबूती से रहिए, लोगों को लेकर के ऊंचे स्थानों पर जाइए, अपने गाड़ी का व्यवस्था कराइए, लोगों के खाने का व्यवस्था कराइए, पन्नी का व्यवस्था कराइए, तिरपाल का व्यवस्था कराइए। प्रशांत किशोर क्यों नहीं कर रहे हैं? टीआरपी की बातें अगर वो करते हैं सोशल मीडिया पे तो खूब उनके नाम का व्यूज चल रहा है, सभी कोई कह रहा है कि बिहार में जो नहीं हुआ वो प्रशांत किशोर करके दिखा दे। बिहार के विपक्ष के नेता तो तेजस्वी यादव है और तेजस्वी यादव के विषय में कहा जाता है कि जब जब बिहार पर बिगड़ परिस्थिति में आता है, बिहार जब जब बुरा स्थिति में आता है तो तेजस्वी यादव फरार रहते हैं बिहार से बाहर। तेजस्वी यादव अगर फरार है तो जवाब तो जनता दे ही देगी ना। अगर तेजस्वी यादव आज के समय में बिहार से फरार है, दूसरे राज्यों में दूसरे देशों में चले गए हैं, तो तेजस्वी यादव को आने वाले समय में जनता बताएगी
कि भाई आप बिहार में जब आफत आता है, बिहार में जब विपदा आती है तो आप नहीं रहते हैं, तो हम भी आपके साथ में जब वोट देने की बात आएगी हम आपको वोट नहीं देंगे, जनता उस समय देखेगी। लेकिन तेजस्वी यादव विदेश में भी रह करके अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को ये कह रहे हैं कि हाँ भाई आप लोग काम कीजिए, इस तरीके से आप लोग मजबूती से रहिए, सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट देख लीजिए, उनके पार्टी के नेता अपना कम्युनिटी किचन लगा रहे हैं, लालू नाम के, लालू यादव राबड़ी देवी के नाम से रसोईया चला रहे हैं, लोगों को खाना पूर्ति करा रहे हैं, वो दूसरी बात है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि आज़ादी के बाद से इतना भयावह स्थिति बाढ़ का कोसी के इलाके में नहीं था। सबसे ज़्यादा 5 लाख क्यूसेक पानी तक छोड़ा गया था, लेकिन 1968 के बाद से सबसे ज़्यादा पानी इस बार छोड़ा गया है, 56 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, लगभग 12 लाख, 12.5 लाख आबादी, 12.5 लाख से ज़्यादा की आबादी प्रभावित हुआ है, इधर से उधर लोग हो गए हैं, सभी लोग ऊँचे स्थानों पर जा रहे हैं। डीएम को एसपी को सख्त आदेश देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आदेश दे दिए हैं लेकिन इस बात को लोग अमल नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप लोग बड़ी मजबूती के साथ में लोगों के कंधे से कंधे मिला करके रहिए, ऊंचे स्थानों पर लोगों को ले जाने का काम कीजिए, सारे प्रशासन के लोगों को हाई अलर्ट रेड अलर्ट में लगा दिए हैं, लोगों को कह रहे हैं कि रात रात भर जगिए, अपने बच्चों को बचाइए, खाना का व्यवस्था करा रहे हैं, पन्नी का व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन जितना आबादी है उस हिसाब से थोड़े हो पाएगा, कैसे हो जाएगा भाई? अगर बिहार में जितनी आबादी है और खास करके कोसी की बातें कर ले हम, चाहे सुपौल जिला की बातें कर ले, मधेपुरा की बातें कर ले, सहरसा की बातें कर ले, खगड़िया की बात कर ले, भागलपुर की बातें कर ले, कटिहार की बातें कर ले, पूर्णिया की बातें कर ले, क्या उधर विधानसभा नहीं है? उधर के विधानसभा के लोगों के द्वारा जो वोट दिया जाता है, जो लोग देते हैं, जो विधायक जीत करके आते हैं, वही ना नीतीश कुमार को सत्ता में बना रहे हैं। तो नीतीश कुमार को काहे नहीं ध्यान में आ रहा है कि भाई कोसी मिथिलांचल अगर इनको साफ कर देगा जनता तो ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अभी तो मुख्यमंत्री दिल्ली गए हुए, हो सकता है प्रधानमंत्री से इस मसले पर बात हो। एक बार हम आपको बता रहे हैं, ध्यान कीजिएगा इसको, कि 2008 में जब बिहार में बाढ़ आया था ना, तो लालू यादव उस समय में मुख्यमंत्री जो ये थे, प्रधानमंत्री जो थे, उनको विपक्ष में रहने के बाद भी उनको बुला करके लाए थे और बोले थे चलिए बिहार का दौरा कीजिए। बिहार में वो मुख्यमंत्री नहीं थे 2008 में, लेकिन 2008 में नीतीश कुमार थे और उनके साथ में कहे कि चलिए आप बिहार, और बिहार चल करके आप यात्रा करके देखिए कि बिहार की स्थिति क्या है। राष्ट्रीय बाढ़ घोषित किया गया था पूरे बिहार को, राष्ट्रीय आपदा। हाँ, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि बिहार के हित के लिए वो सोच रहे थे। नीतीश कुमार को तो जब अफसरों का पांव पकड़ने में इनको दिक्कत ना होता है, मुख्यमंत्री हो करके प्रधानमंत्री का इसे हाथ का नाखून देखने लगते हैं नीतीश कुमार, तो आज स्थिति क्यों नहीं है कि बिहार के जनता के लिए नीतीश कुमार उनका पांव पकड़ ले, कहें कि भाई यार राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए बिहार को। और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है उन लोगों से भी कहना है, जो देखते होंगे आप सोशल मीडिया पर कि किस तरीके से जब केरला में बाढ़ आता है तो अमिताभ बच्चन कितना करोड़ रुपया डोनेट कर देते हैं, अक्षय कुमार डोनेट कर देते हैं, शाहरुख खान डोनेट कर देते हैं। भाई बिहार में स्थिति यह है कि सुपौल में लोग भाग रहे हैं, गांव का गांव सुन होते जा रहा है, पूरा गांव डूबते जा रहा है, इतना पानी हो गया कि बाप दादा वो लोग का पानी उतना नहीं देखा होगा। हम लोग की उम्र के जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग पूरा जीवन में इतना पानी नहीं देखे, मतलब 25 साल का उन लोग का उम्र है, 30 साल का उम्र है, तो उन्होंने इतना पानी कभी नहीं देखा होगा। वे लोग कह रहे हैं कि स्थिति हमारी बहुत ख़राब है, खाने के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, सूखा खाना जो भेजा जाता है वो प्रशासन के द्वारा नहीं भेजा जा रहा है, कम्युनिटी किचन नहीं चलाया जा रहा है, सांप का जो दवा होता है, मान लीजिए जब पूरा इलाका डूब जाएगा तो सांप बिच्छू कहाँ जाएगा, मगरमच्छ कहाँ जाएगा, ये सारे जानवर कहाँ जाएंगे, ये सभी कोई तो आएंगे एक ऊंचे स्थान पर, ऊंचे स्थान पर आएंगे तो वहाँ जनता भी रहेगा। अब जनता रहेगा तो जनता अपना जान बचाने के लिए जो सांप बिच्छू होगा उसको मारने की कोशिश करेगा, सांप बिच्छू भी इनको मारने का डंक मारने का कोशिश करेगा, तो ऐसी स्थिति में सरकार को मुहैया कराना चाहिए, जो सांप से बचने के लिए जो दवा है उसका मुहैया कराना चाहिए, डॉक्टरों की टीम की मुहैया करानी चाहिए। लोगों के पास में जब घर नहीं है, जब अपना घर छोड़ करके आ गया है वो आदमी, तो उसके लिए तिरपाल पन्नी की व्यवस्था करनी होगी ना सरकार को। सरकार क्यों नहीं कर रहा है? आज जो सरकारी खजाना है, बिहार सरकार का जो खजाना है, वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से हो रहा है। बिल्कुल, हमारे और आपके जब साबुन का टिकिया खरीद रहे हैं, ये माइक खरीद रहे हैं, ये फॉर्म खरीद रहे हैं, ये हाथ का कड़ा खरीद रहे हैं, ये टी शर्ट खरीद रहे हैं, ये बाल में लगाने वाला तेल खरीद रहे हैं, शैम्पू खरीद रहे हैं, साबुन खरीद रहे हैं, इन सारे चीज़ों पर हम टैक्स दे रहे हैं। जब हम इन सारे चीज़ों पर टैक्स दे रहे हैं तो ये टैक्स कहाँ जा रहा है? बिहार सरकार को जा रहा है, केंद्र सरकार को जा रहा है, ये सरकारी खजाना में जा रहा है। तो सरकारी खजाना कब निकाला जाता है?
सरकारी खजाना जब आपदा आता है, कोरोना जैसा समय आया तो सरकारी खजाना को खोला गया था, अब सरकारी खजाना को खोला जाए, नीतीश कुमार दिल बड़ा करे और सरकारी खजाना को खोल करके और उसके बाद में उनका इस्तेमाल करे। सरकारी खजाना खाली इलेक्शन में खुलेगा, आज जरूरत है बिहार के जनता को, खास करके जो तराई क्षेत्र में है, चाहे वो गंगा हो, कमला हो, या महानंदा हो, या कोसी का इलाका हो, जो नेपाल से बाढ़ आता है, नेपाल से जो पानी आ रहा है, बारिश से पानी जो आ रहा है, उससे जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी जीवन बहुत बेकार होते जा रही है, उन लोगों के लिए सरकारी खजाना खोलने की ज़रूरत है और बिहार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यही आग्रह है कि बिहार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें और साथ ही साथ बिहार में जितने भी DMSP हैं, इन सभी किसी को सख्त आदेश दे और जितने भी केंद्र से कहें कि भाई केंद्र राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और स्पेशल टीम भेजे, इसके लिए जो सेना के जवान हैं उन लोग को स्पेशल भेजे कि किसी तरीके से लोगों को जान बचे। आज सुपौल की स्थिति क्या है कोई नहीं बता सकता है। सुपौल के जनता जब वोट देने जाएगा तो उसको इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। मधेपुरा के जनता जब वोट देने जाए तो उसको इस बात की याद रखने की ज़रूरत है। सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये सारे इलाके के लोगों को अब सोचने की ज़रूरत है कि 56 सालों से इतना ज़्यादा बाढ़ नहीं आया था, इतना ज़्यादा जिस इस समय बाढ़ आया है, इसके लिए उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। इस मसले पर पप्पू यादव को देख रहे हैं, पप्पू यादव के पिता के निधन हो गए, श्राद्ध क्रम हो रहा है, पप्पू यादव को आप कहां देख रहे हैं जिस तरह से एक्टिव है वो बाढ़? देखिए, पप्पू यादव का किस्मत खराब है, हम आपको कह रहे हैं पप्पू यादव का किस्मत खराब है, वरना जितना मेहनत वो कर रहे हैं ना, अगर शायद दूसरा कोई नेता इतना मेहनत करता ना और किस्मत में अगर ठीक ठाक लिखा हुआ होता, पेन से लिखा हुआ होता, पेंसिल से नहीं लिखा हुआ होता ना, तो आज पप्पू यादव बहुत आगे होते। ये सच बातें कह रहे हैं, जितना मेहनत उतना ज़्यादा वजन हो जाने के बाद, उनके घर में इतना ज़्यादा इतना बड़ा विपदा आ गया है, उसके बाद भी वो आदमी दिन रात एक करके रखा हुआ है, सुबह से लेकर के शाम तक, दोपहर से लेकर के घाम तक पूरा लगा हुआ है कि किसी तरीके से भाई लोग की जीवन बच जाए, अपील कर रहा है सरकार से। उनके पिता का निधन हो गया है और ऐसे स्थिति में श्राद्ध क्रम से समय निकलते ही सबसे पहले वो अपना गाड़ी उठा रहे हैं और नाव पे सवार हो रहे हैं, लोगों के पास में चिवड़ा मिठा लेकर के पहुंच रहे हैं, लोगों के पास में लोगों के बच्चों के दूध के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, पानी का व्यवस्था कर रहे हैं, तिरपाल पन्नी का व्यवस्था कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, डांट रहे हैं कि कहाँ थे, बीबी के पास सोए थे, जब हम कहते हैं बिजली चालू करो तब चालू होता है, जब हम आपके ऊपर में कंप्लेन करते हैं तब चालू होता है, आप फोन नहीं उठाते हैं, तो ये काम पप्पू यादव कर रहे हैं। किस्मत खराब है उस आदमी का, पप्पू यादव का किस्मत खराब है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, नहीं तो जितना मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के बिहाव पर देखा जाए तो ना तेजस्वी यादव आगे पीछे दिखेंगे और ना नीतीश कुमार आगे पीछे दिखेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी, ना चिराग पासवान, ना मुकेश सहनी, ना कोई आदमी फलाना ढिमकाना दिखेगा। जितना वो आदमी मेहनत कर रहे हैं, जिस उम्र में मेहनत कर रहे हैं, जिस एज में मेहनत कर रहे हैं और जिस वजन के साथ मेहनत कर रहे हैं, उतना वजन अगर शायद दूसरे बिहार के नेता का होता ना, तो हमको नहीं लगता है कि वो घर से निकल भी पाता, उतना मेहनत भी नहीं कर पाता। कितना घंटा सोते होंगे भाई, जिसके परिवार में उनके पिता की निधन हुई है और बिहार भर के बड़े बड़े लोग आ रहा है, समझिए ना, उस आदमी का अस्तित्व समझिए, उस आदमी की ताकत समझिए कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उनको बुला ले रहे हैं अपने पिता के श्राद्ध क्रम में। शहाबुद्दीन परिवार का लड़का जा रहा है, उसामा वहाँ पर जा रहा है, लालू यादव की बेटी वहाँ पर जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे मंत्री हैं वो पहुँच रहे हैं, रामविलास पासवान के पार्टी से बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, मुकेश सहनी जा रहे हैं, खान सर ऐसे मास्टर जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है ना कि वो आदमी ने बनाया है, अपने दम पर बनाया है, पिता के बदौलत नहीं बनाया है, वो आदमी अपने दम पर, अपने मेहनत, अपने काम पर बनाया है कि लोग पहुंच रहा है। बाढ़ आने के बाद भी 6 घंटा, पटना से जाने में 6.5 घंटा लगता है साहब, लोग यहाँ से पटना में राजीव नगर में बैठ करके अगर किसी को कहा जाए कि चलिए डाक बंगला चलना है तो सोचेगा एक मिनट के लिए कि डाक बंगला बड़ी दूर है यार, 3 किलोमीटर है, कौन जाएगा, और वहाँ आदमी 350 किलोमीटर आसानी से जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जान रहा है कि नेक दिल इंसान है, जिंदा दिल इंसान है, इस आदमी के पास में ताकत है, इस आदमी का बस किस्मत साथ नहीं दे रहा है, वरना ये आदमी बहुत आगे होता है। ये चीज़ें हैं। चलिए, तो जिस तरह से बाढ़ आया हुआ बिहार में, और एक वक्त था कि लालू प्रसाद यादव 2008 में राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाए थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय केंद्र में, और लालू प्रसाद यादव विपक्ष में थे, गठबंधन का कोई न हिस्सा होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाए थे बाढ़ जब आया था 2008 में। अभी लालू यादव राजनीतिक रूप से भी एक्टिव हैं और थोड़ी स्वास्थ्य उनकी ठीक नहीं है, फिर भी वो मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से बिहार वासियों को चिंता दूर हो जाए। और वहीं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि नेता विपक्ष हैं वो भी फरार हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी फरार हैं, पर एक शख्स है पप्पू यादव, वो लगातार बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। बहरहाल आप पूरी बातचीत पर क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।